हेलो फ्रेंड, मौसिनी का सेकंड पार्ट में आपने देखा था कैसे टेंट बुक कर सकते हो, टेंट में खाना क्या क्या है, घूमने का जगह क्या क्या है, और रात में हम लोग गए थे मैंग्रोव में। पार्ट टू अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मेरा मौसिनी ट्रिप का पार्ट थ्री में हम आपको लेके जाने वाले हैं मौसिनी आइलैंड का मोस्ट ब्यूटीफुल बीच के तरफ, जो दिखने में बिल्कुल गोवा का बीच जैसा है। सो इस वीडियो का आप पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए राइडो माइल्स। अगर आप नए हो तो प्लीज वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट थ्री ऑफ माय मौसिनी ट्रिप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फॉर मौसिनी। तो दिस इज़ द सेकेंड डे। फर्स्ट डे का बहुत कुछ आपको दिखाए और आज और भी ज़्यादा कुछ हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। कल वेदर कैसा था? दिन में तो काफ़ी सनी था और रात में ठंड बहुत बढ़ गया था। तो इट्स बेटर कि आप अगर अभी नवंबर या फिर दिसंबर में आ रहे हो तो कैरी विंटर क्लोथ। एनीवेज, चलिए आपको सी का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। हम लोग जिस टेंट में है, यहाँ से आप डायरेक्टली सी बीच तक नहीं जा सकते हो, तो आपको दिखा देते हैं कैसे हम जा सकते हैं। टेंट है और इधर आमपन की वजह से पूरा खत्म सब कुछ। वहीं से हम कैसे भी करके नीचे आ गए आपको ये व्यू दिखाने के लिए। ये कैंप भी काफी ब्यूटीफुल है, रात में ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसका नाम है चित्तरंजन टेंट कैंप। ये छोड़ के भी यहाँ पर बहुत सारा कैंप्स है। यहाँ पर आने से पहले मैंने एक ब्लॉग में सुना था कि नवंबर या दिसंबर में यहाँ का सी का कलर बहुत ही अच्छा लगता है, और वो बात 100% सच है। इस चीज के बारे में मेरा क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर ये जेसीबी आता कैसे है। उस नदी के ऊपर से मेरा बुलेट लाना मुश्किल हो गया था और जेसीपी आके घूम रहे हैं यहाँ पर। सो इस साइड का स्टोरी कुछ अलग है। ये जो आप देख रहे हो, हुआ क्या था, यहाँ पर पूरा मैंगो ट्रीज था और उस साइड में इसीलिए आप जा सकते थे, बट आमफन की वजह से यहाँ का जंगल्स पूरा ख़त्म हो गया और एक भी ट्रीज नहीं है यहाँ पर। जैसे कि आपने देख लिया कि मेरा टेंट के सामने अभी भी कुछ ट्रीज पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत सारा ट्रीज था जो यहाँ पर अभी नहीं है और पूरा खाली हो गया, और यहाँ पर मिट्टी भी है, बाली नहीं है। हम लोग मौसिनी का जिस साइड में थे उस साइड में बीच नहीं है, मतलब बीच है बट आप जा नहीं सकोगे, बट दूसरा साइड और एक होता है वहाँ पर आप जा सकते हो, और वहाँ पर बीच में आप अपना बाइक लेके भी जा सकते हो, बट इधर वो पॉसिबल एकदम नहीं है। आपको दिखा दिया, और यहाँ पर स्ट्रेट जो आपको देख रहा होगा उस साइड में, वहाँ पर आप बाइक लेके जा सकते हो, मतलब इधर से नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ का, लाइक ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स। वहाँ पर आपको बीच मिलेगा जहाँ पर सैंड है, यहाँ पर आप बाइक लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर बाइक आप उतारोगे तो उसको आप उठा नहीं पाओगे। एनीवेज, सो लेट्स गो बैक टू। हम आए और चाय मिला, चाय के साथ ब्रेकफास्ट में हम 12 कचौड़ी खाए। सो गाइस, आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट हम लोग जाएंगे बीच साइड के तरफ, जो है एकदम हम लोगों के पीछे। इस साइड में हम लोग बीच में जा नहीं सकते, लेकिन अभी जिस साइड में जाएंगे वहां पर बीच होगा, तो चलिए वो जगह आपको दिखा देते हैं।
ये रास्ते में से बाइक निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि रेत है और रेत में बाइक स्कीड करते हैं बहुत। ठीक है, आप देख सकते हो अभी मैं बाइक लेके आ गया यहाँ पर, तो अभी आपको बीच दिखाते हैं। जितना दूर हम देख रहे थे उतना अच्छा, उतना ब्यूटीफुल लग रहा था, तो हम सोचे कि थोड़ा और आगे जाएं। ओह व्हाट अ ब्यूटी, सच में शायद कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। और इधर शायद कुछ नया कैंप्स भी बन रहा है, तो यहाँ पर फिर से आना होगा। आई विश कि हम लोग यहाँ पर रहते। सच में यार कितना खूबसूरत है ये जगह। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो, सी का कलर पूरा ग्रीन है और रेत का कलर व्हाइट है, तो ग्रीन व्हाइट मिलके मौसुनी को गोवा बना दिया। आई थिंक गवर्नमेंट को इस जगह के ऊपर और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए एज अ टूरिस्ट स्पॉट, एंड दिस प्लेस रियली डिजर्व्स मच मोर अटेंशन फ्रॉम द टूरिस्ट्स। हम लोग आ गए हैं वो मौसुमी आइलैंड का बीच वाला साइड है, तो यहाँ पर व्यू अमेजिंग है गाइस, रियली अमेजिंग है। मैंने कोई भी वीडियो पे ऐसा व्यू मौसुमी आइलैंड का नहीं देखे है। लेट मी जस्ट शो यू द व्यू फर्स्ट। हम लोगों का बाइक थोड़ा दूर था, लेकिन वी डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स द बीच, आई मीन सी बीच। और फाइनली लास्ट पार्ट में हम तीनों एक फोटो खींचा है। आगे देखिए मेरा बाइक, मैंने अपना चप्पल सैक्रिफाइस करके खड़ा करा है। का इतना अच्छा व्यू मैंने कभी नहीं देखा, और सी का ये कलर कभी भी किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ अच्छा दिखने को। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट वी हैड टू चेक आउट, सो वी हैड टू लीव दिस प्लेस। इस जगह से बाइक लेके तो आ गए थे, लेकिन उठाना बहुत मुश्किल हो गया था रेत की वजह से।
गाइस हम लोग बीच से घूम के आ गए। अब बीच का व्यू तो आपने देख ही लिया, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस जगह पर रहना चाहते हो। बीच साइड में थोड़ा क्राउडेड होता है, इस साइड में क्राउड नहीं होता है। इस साइड का लुक डिफरेंट है, उधर का लुक डिफरेंट है। अगर हमको आप रेट करने बोले तो ऐसे कि बीच साइड ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एनीवेज सो हम लोगों का ट्रिप ए पर ख़त्म हो रहा है, अभी हम लोग जाएंगे घर। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले। तो भी ऑनेस्ट मुझे इस पूरा जर्नी का सबसे टफ पार्ट लगा बाइक लेके रिवर क्रॉस। तो इट्स हाफ वे एंड बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था एंड नींद भी आ रहा था, इसलिए चाय पीना ज़रूरी है, तो चाय पी ली थी। सो आफ्टर 4 hours ड्राइव हम सेफली घर पहुँच। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए राइडो माइल्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू राइडो माइल्स।